नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। धारा 370 हटने पर बौखलाए पाकिस्तान को विदेश मंत्रालय की दो चूक, कहा संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे का पाक को अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना लॉन्च, 18 साल के किसानों को मिलेगा योजना का सबसे ज्यादा लाभ। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, अंधाधुंध बेस्ट हिंदी फिल्म, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल बेस्ट एक्टर, राजस्थानी फिल्म टर्टल को भी मिला पुरस्कार। और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सांभर सोल्ट इलाके को किया जाएगा विकसित, सांभर सोल्ट को रसोई घर तक पहुंचाने की बनेगी कार्य योजना। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को निष्प्रभावी करने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वह लगातार भारत की छवि खराब करने की कोशिश में जुटा है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत देखेगा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के मंच पर किस तरह से जम्मू कश्मीर का मामला उठाता है, हमारी मजबूत तैयारी है। रवीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मामला है तो यह भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का फैसला लिया है। पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने और समझौता एक्सप्रेस की आवाजाही बंद करने के सवाल पर रवीश कुमार ने कहा कि ये दोनों निर्णय एक तरफा लिए गए हैं। यह निर्णय लेने से पहले पाकिस्तान की ओर से कोई बातचीत नहीं की गई। कुछ दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा की तरफ से चुनाव के लिए जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। इसमें राजधानी दिल्ली, हरियाणा और झारखंड के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम का ऐलान किया गया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, हरियाणा में नरेंद्र सिंह तोमर, महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव और झारखंड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दिल्ली का चुनाव प्रभारी बनाया है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी और नित्यानंद राय को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि दिल्ली में इस साल के अंत या फिर साल के शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना का शुभारंभ किया। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना को दो क्लस्टर राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, गुजरात में शुरू किया गया है। इसके बाद अब आंध्र प्रदेश के निवासी तेलंगाना में और तेलंगाना के निवासी आंध्र प्रदेश में किसी भी राशन की दुकान से अनाज ले सकते हैं। इसी तरह का नियम गुजरात और महाराष्ट्र के निवासियों पर भी लागू होगा। धीरे धीरे केंद्र सरकार की यह योजना देश भर में लागू की जाएगी। इस योजना के देश भर में लागू होने के बाद लाभार्थी देश में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि देश भर में एक देश एक राशन कार्ड की योजना को जून 2020 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का आज से शुभारंभ हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन में पेंशन योजना को लॉन्च किया। आज से इस योजना के लाभार्थी किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। योजना के मुताबिक 18 साल की उम्र में इस योजना में पंजीकरण कराने वाले किसानों को सबसे कम प्रीमियम भरना होगा, जबकि 40 साल की उम्र के किसान को सबसे ज्यादा प्रीमियम देना होगा। इसके तहत 18 साल में जो किसान इसका लाभ लेगा उसे ₹55 प्रीमियम देना होगा, वहीं 40 साल के किसानों को ₹200 प्रीमियम भरना पड़ेगा। योजना को लॉन्च करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद पीएम ने सभी मंत्रालयों को 100 दिनों का काम लेने को कहा था। इसी के तहत कृषि मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत आज से किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में रोजाना सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष के विरोध को खारिज कर दिया है। लगातार चौथे दिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन सुनवाई करने का फैसला किया। सुनवाई की शुरुआत में ही मुस्लिम पक्ष ने रोजाना सुनवाई का विरोध किया था। तैयारी करने के लिए समय न मिल पाने की मुस्लिम पक्ष की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। उन्नाव रेप मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप, पोक्सो और अपहरण के धाराओं में आरोप तय किए हैं। इससे पहले कोर्ट की ओर से जारी प्रोडक्शन वारंट के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पेश किया गया।
जिसके बाद कोर्ट ने सेंगर को तिहाड़ जेल भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मामले में से रोड एक्सीडेंट को छोड़कर बाकी 4 मामले को 30,000 कोर्ट में ट्रांसफर किया था। 30,000 कोर्ट को 45 दिन में ट्रायल पूरा करना है। इस मामले में दिन प्रतिदिन सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों से अघोषित कर्फ्यू के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। प्रशासन ने जहां कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी है, वहीं फोन और इंटरनेट सर्विस को भी आंशिक तौर पर बहाल किया गया। इसके बाद जम्मू और श्रीनगर के बाजारों में हल्की फुल्की हलचल रही। लोग जुमे की नमाज अदा करने के बाद मस्जिदों से बाहर निकले। कई जगह लोग अपनी अपनी जरूरत का सामान भी खरीदते नजर आए। प्रशासन की कोशिश है कि ईद के मद्देनजर लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अधिकारियों ने बताया, नमाज अदा करने के लिए लोगों को कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा महासचिव डी राजा को श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। वे अपनी पार्टी की इकाई के सदस्यों से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इससे पहले कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। येचुरी ने कहा कि हमें एक कानूनी आदेश दिखाया जिसमें श्रीनगर में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं देने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से पुलिस संरक्षण में भी शहर में जाने की अनुमति नहीं है। सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्हें और भाकपा महासचिव डी राजा को श्रीनगर हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। रोकने की वजह पूछने पर प्रशासन से मिले कानूनी आदेश दिखाए गए। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड अंधाधुन को दिया गया है। आयुष्मान खुराना और तब्बू स्टारर इस फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। इसके अलावा फिल्म पद्मावत को बेस्ट कोरियोग्राफी और संजय लीला भंसाली को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म का अवार्ड बधाई हो को दिया गया है। साथ ही उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड मिला है। अरिजीत सिंह को फिल्म पद्मावत के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड और सुरेखा सीकरी को फिल्म बधाई हो के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। टर्टल को बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड दिया गया। पुरस्कारों का ऐलान पहले 24 अप्रैल को होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इस बार घोषणा देरी से हो रही है। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारी बारिश, तेज हवाओं और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। वहीं कोच्चि हवाई अड्डे पर 11 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सभी विमानों का परिचालन रोक दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल में अगले 2 दिन में भीषण बारिश होने का अनुमान है। केरल के विभिन्न हिस्सों में लगातार जारी भारी बारिश के कारण 22 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि पिछले 3 दिनों में भारी बारिश के कारण 22 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में लगभग 2,00,000 लोगों को पश्चिम महाराष्ट्र में सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए प्रदेश सहित राजधानी जयपुर में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सभी थाना अधिकारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पर्यटन स्थलों और शहर के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ATS और SOG को भी सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पर्यटन स्थलों और शहर के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बाहर से आने वाली बसों की चेकिंग की जा रही है। यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली जा रही है। देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सांभर सोल्ट इलाके को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग आयुक्त डॉक्टर कृष्णा कांत पाठक ने सांभर सोल्ट की पहुंच आमजन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। डॉक्टर पाठक उद्योग भवन में सांभर सोल्ट की बोर्ड मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सांभर सोल्ट की अपनी विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता को देखते हुए इसकी पहुंच घर की रसोई तक पहुंचाने के ठोस प्रयास करने होंगे।
उन्होंने बताया कि विस्तारित झील, विदेशी पक्षियों का डेरा, देवयानी व शाकंभरी माँ के मंदिर और पास ही दादू पंथियों के संत दादू दयाल की तपस्थली है। इससे भी खास यह है कि राजधानी जयपुर के पास होने से पर्यटन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है। वर्षों तक नानुकुर करने के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी के दायरे में आने को तैयार हो गया है। खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया ने यह जानकारी दी बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी से मुलाकात के बाद। जुलानिया ने कहा कि बोर्ड ने लिखित में दिया है कि वह नाडा की डोपिंग निरोधक नीति का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि अब सभी क्रिकेटरों का टेस्ट नाडा करेगी। दूसरी ओर बोर्ड के सीईओ राहुल जौहरी ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया, हाँ, अब बीसीसीआई नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के दायरे में आएगी। बीसीसीआई नाडा के सभी नियम पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दायंगल के साथ। नमस्कार। ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल। तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।